इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो है आपका 28 अक्टूबर 2023 को है, और ये जो चंद्र ग्रहण है इसका नाम खंडग्रास चंद्र ग्रहण की श्रेणी में आता है, और ये भारतीय समय अनुसार रात्रि के 11:32 पर इसकी छाया का प्रवेश होगा, विरल छाया जिसे कहते हैं, कि मतलब स्टार्टिंग होने वाली है इस ग्रहण की, उसमें आप 11:32 रात्रि को इसका शुरुआत होने वाली है इसकी छाया का। और इसका ग्रहण का जो मुख्य प्रवेश है वो रात के 1:05 पर होने वाला है, और इसका मोक्ष की जहाँ मध्य की जहाँ बात आती है कि परम पूर्ण जो ग्रहण का जो मध्य समय है वो रात के 1:44 पे होने वाला है। 1:44 मध्य के होने के बाद में इसका जो समाप्ति यानी मोक्ष काल जो हम बोलते हैं वो 2:23 पे उसका मोक्ष होगा, इसमें दृश्य होगा, और यहाँ पर सूतक यम नियम जितने भी हैं वो मान्य होंगे। इसके अलावा कई जगहों पर जो ये चंद्र ग्रहण दृश्य होगा वहाँ पर भी सूतक और यम नियम मान्य होंगे। फिर लोगों के शरद पूर्णिमा का व्रत भी होता है, तो व्रत को खोलने का क्या विधान रहने वाला है? देखिए, यहाँ माना जाता है कि आप 11:00 मान लीजिए 32 पर चंद्र ग्रहण का मतलब रात को होने वाला है, तो कई लोग 8 पूर्व सूतक को मानते हैं, कई लोग 10 पूर्व को मानते हैं। तो अगर हम शरद पूर्णिमा के व्रत की बात करते हैं तो या फिर व्रत को उनको भोजन करना है या व्रत का करना है तो 11:00 से पहले पहले कर लेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा अगले दिन वो करें या उस दिन उपवास की स्थिति को वो कर सकते हैं। और इस समय आपके इष्ट की आराधना मंत्र जाप वगैरह आप आराम से करें। माना जाता है कि ग्रहण काल में जो मंत्र या उपासना की जाती है वो हमेशा फलीभूत होती है, तो